राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है किशोर बच्चों हेतु मनोरंजन और ज्ञान से भरपूर रेडियो पत्रिका किशोर जगत। किशोर जगत में आइए सुनते हैं कार्यक्रम यमुना भाग एक। मार्च का महीना है, होली के रंगों के साथ ही स्वेटर रजाई बक्सों में बंद होने लगे हैं। पिछले यही तो दिन थे जब अचानक सुबैया सुबह सुबह आया था, चाय की चुस्की के साथ बोल पड़ा था, यहां के हल्ले गुल्ले भीड़ भाड़ से परेशान हो गए हैं, कहीं ऐसी जगह चलो जहां कुछ पल सुकून के मिले। ढेर सारे नक्शे किताबें पलटी थी हमने। अरे हाँ सुबैया मेरा दोस्त, इससे तो मिलने, मेरा मित्र, मेरा सहकर्मी, शांत गंभीर संकोची लेकिन जिज्ञासु। वहां जहां लगा कि शायद स्वर्ग की कल्पना यही होगी, वहां देखे सुने महसूस किए हर पल हर घटना को मैंने अपनी डायरी में दर्ज किया है। तो मेरी डायरी के सहयात्री बनेंगे। यमुनोत्री, यमुना का उद्गम स्थान। यमुनोत्री तक की यात्रा आसान नहीं थी। एक ओर ऊंचे पहाड़ चढ़ाई, उस पर तेज ढलान, उन पर चढ़ना मेरे लिए मुश्किल था। जैसे तैसे उठते बैठते हांफते हुए चढ़ तो गए। साथ में कुछ लोग और भी थे, उन्होंने हिम्मत बनाए रखी। अब मुश्किल लगेगी भाई। चलो भाई, बस थोड़ी दूरी तो है। अरे तुम तो अभी कम उम्र के हो सुबैया। मैं थोड़ा सुस्ता लूं। ठीक है। चढ़ते वक्त गर्मी महसूस हो रही थी लेकिन पसीना नहीं आ रहा था। रास्ते में ऊंचे ऊंचे पहाड़, एक ओर गहरे खड्ड और घाटियां जो हरे भरे पेड़ पौधों से ढकी हुई थीं, दूसरी ओर ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी दूर दिखाई दे रही थीं। तेज हवा अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही थी लेकिन पहाड़ियों का सिलसिला चलता ही जा रहा था। अरे लगता है हम यमुनोत्री पहुंचने वाले हैं। अरे चलो चलो, वो सामने ही यमुनोत्री है। हाँ सामने। सच सुनिए। हाँ हाँ, इतना पास सामने। चलो संभल कर।
अब मुश्किल लगेगी भाई। फिर चढ़ना शुरू किया। सस्ताने से थोड़ी ताकत व हिम्मत बन गई। बर्फ की सफेदी इतनी थी कि आसमान का नीलापन भी कम दिखाई दे रहा था। मेरे लिए ये एक नया अनुभव था। कुछ देर की चढ़ाई के बाद हम यमुनोत्री पहुंच गए। अरे बस बस पहुंच ही गए। आजो आजो आजो। अरे वाह, वो देखो, वो सामने देखो, सूर्य की किरणों का कमाल। वाह रे कुदरत, बर्फ के इतने रंग। अरे मैंने कभी सोचा भी नहीं था सूर्य की किरणें बर्फ में रंग भर सकती हैं। वाह, हम यही कोई समुद्र तल से 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर हैं। हर यमुनोत्री उत्तराखंड राज्य के टिहरी और उत्तर काशी जिले में पड़ता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है बदरपुच्छ। जानते हो ये सुमेर भी कहलाती है। अच्छा, इसका एक भाग है कलिंद, यही यमुना का उद्गम है। वाह सुभैया, खूब जानकारी इकट्ठा की है। लगता है बहुत सारे नक्शे देखे हैं, तभी यमुना को कालिंदी कहते हैं। सर्दी बहुत थी, पहने हुए गर्म कपड़े सर्दी नहीं रोक पा रहे थे। पास में चाय का एक खोखा था, हमने चाय पी, कुछ गर्मी आई। कभी कभी सांस लेने में कठिनाई सी जरूर होती थी, हम हांफने लगते थे क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यमुनोत्री एक हिमनद यानी बर्फ का चलता हुआ ग्लेशियर है, इसी से यमुना नदी निकलती है। यमुनोत्री पीर पंजाल की पहाड़ियों का ऊपरी भाग है जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। पीर पंजाल की पहाड़ियां छोटे और बड़े हिमालय के बीच का भाग है। यहां पर वायुमंडल की निचली परत ट्रोपोस्फीयर में तापमान ऊंचाई के अनुसार घटता जाता है, इसीलिए पहाड़ों पर तापमान कम होता है, सर्दी मैदान से अधिक पड़ती है। यमुनोत्री पर चारों ओर सन्नाटा था, हम केवल चंद ही लोग थे वहां। एकदम जीवन रहित, यहां तक कि परिंदे भी दिखाई नहीं पड़ते थे, केवल बर्फ ही बर्फ, वो भी दूर दूर तक। बर्फ पर चलने से पैर नीचे की ओर धस रहे थे। तापमान शून्य से कम होने के कारण पेड़ पौधे घास फूस कुछ भी नहीं उग पाते। हम लोग टहलते हुए पहाड़ की दूसरी ढलान की ओर गए। वहां कुछ और ही देखने को मिला। बर्फ के नीचे से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा था, और वो भी शून्य से कम तापमान पर, जहां सब कुछ जमा हुआ था। जहां सब कुछ जमा हुआ है वहां पानी कैसे? जब करीब जाकर देखा, बर्फ का निचला भाग खोखला था। अंदर हाथ डालने से पता चला कि बर्फ का खोखलापन दूर तक है। इसका कारण क्या है मैं सोचता रहा।
और अंत में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि बर्फ जमीन की गर्मी से पिघल रही है। एक पतली सी पानी की धार ढलान से नीचे की ओर बह रही थी। पानी की धारा का रुख उत्तर की ओर था। इसके साथ साथ हमने नीचे उतरना शुरू किया। यहां छोटी छोटी कई और धाराएं भी मिल रही थीं। पानी को हाथ में लेकर देखा, बहुत ठंडा था। ठंड से हाथ में ठिठुरन चढ़ गई। उतरते हुए देखा नीचे की ओर बर्फ कम हो रही थी। केवल दो पहाड़ों के बीच की घाटियों में काफी बर्फ थी। हिमालय पर्वत परतदार चट्टानों से बना है। परतों के बीच बीच में मिट्टी, कंकड़, पत्थर देखे जा सकते हैं। ऐसी बनावट कमजोर होती है, खास तौर से बरसात के समय। पानी जब मिट्टी, कंकड़, पत्थर के बीच से गुजरता है तो चट्टानें कमजोर होकर खिसकने लगती हैं। बरसात के मौसम में लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। कुछ दूर चलने पर हमें मलबा दिखाई दिया। अब पहाड़ एवं ढलानों पर कहीं कहीं घास दिखाई देने लगी। मैंने एक चोटी से खड़े होकर देखा, कुछ दूर भेड़ बकरियां चरती दिखाई दे रही थी। धारा भी अब बड़ी हो गई थी। इसी के साथ हम नीचे की ओर उतर रहे थे। पानी की इस धारा को यमुना नदी मानने में कुछ झिझक हो रही थी। सो चरवाहों के पास जा पहुंचे। अरे भैया जरा सुनना। कहो बाबूजी। क्या यही यमुना है? यमुना नदी देख रहे थे? हाँ यही यमुना है। क्या इतनी छोटी सी? हाँ आगे चलकर बड़ी हो जाएगी। अच्छा अच्छा हमने चारों ओर देखा। घाटियों में बड़े बड़े पेड़ थे, ढलानों पर घास थी, चट्टानें काई से ढकी थी, कहीं कहीं नई घास निकल रही थी। चरवाहों के साथ साथ हम भी आगे बढ़ने लगे। यहां पर चरवाहों को बकरवाल कहते हैं। हमने स्थानीय बोली में उम्र में छोटे दिखाई देने वाले एक चरवाहे को रोका और भुला कहकर संबोधित किया। भुला का मतलब है छोटा भाई। अरे सुनो भाई। जी साहब। भुला, इतनी ऊंचाई पर इतनी ठंड में भेड़ों के साथ क्यों आते हो? साहब ऐसा है, गर्मियों के समय मैदानों में पानी और घास सूख जाती है। हिमालय के पहाड़ों में पानी, घास फूस खूब मिलता है साहब। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि कब तक रहते हो यहाँ? हम यहाँ आना शुरू करते हैं साहब अप्रैल मई में। अच्छा। पहले शिवालिक की पहाड़ियों में घास चराते हैं। यहाँ बड़े पत्ते वाले पेड़ है, भेड़ बकरियाँ कम खाती है, इसलिए यहाँ
कम समय रहते हैं। अच्छा 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 अच्छा, शिवालिक की पहाड़ियों के बाद आप कहाँ जाते हैं? शिवालिक के बाद साहब धौलाधार के पहाड़ों में चराते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि धौलाधार के पहाड़ों में खूब घास मिलती है। अच्छा। गर्मियों में बर्फ पिघलने के बाद नई नई घास फूटती है जो भेड़ बकरियों को ताकत देती है, इसे खाकर ये अच्छी खासी तंदुरुस्त हो जाती है साहब। हम इन पहाड़ों में कई महीने रहते हैं। पहाड़ की चोटियों पर सर्दियों में बर्फ खूब जमती है साहब। जब घास कम होने लगती है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा भोला, तुम्हारे बाल बच्चे? हमारे बाल बच्चे सामान के साथ खच्चर या गधों पर बाद में आते हैं। छोटे बच्चों को सामान के साथ गधों पर बैठा देते हैं। गधों पर? हाँ, औरतें हाँकती हुई चली आती हैं। परिवार के साथ कुत्ते होते हैं साहब, वो हमारी रक्षा करते हैं साहब। भाई तुम्हारा जीवन तो बहुत कठिन है भोला। नहीं नहीं साहब, यही तो हमारी जिंदगी है, अच्छा लगता है साहब। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था क्या है? साहब पढ़ाई लिखाई का तो कोई जुगाड़ नहीं हो पाता, क्या करें, बच्चों को भी यही काम करना पड़ेगा। पैसों का जुगाड़ हो तो पढ़ाई लिखाई की सोचे। धौलाधार के बाद कहाँ जाते हो? धौलाधार की पहाड़ियों के बाद छोटे हिमालय की पहाड़ियों की ओर निकलते हैं। वहाँ हरी घास खूब मिलती है साहब। अच्छा। छोटे हिमालय की ऊंचाई धौलाधार से भी ज्यादा है साहब। अरे वाह। ठंड भी ज्यादा पड़ती है। तो ठंड से बचने के लिए क्या करते हो? ठंड से बचने के लिए साहब हमारे पास ऊनी कपड़े जैसे कंबल, लोई, पट्टू के कोट होते हैं। रात में पड़ाव पर आग जलाते हैं, जंगली जानवरों से बचाव हो जाता है, और हमारे कुत्ते तो रक्षा करते ही हैं साहब। अच्छा ये बता भूला कि सबसे लंबा पड़ाव किन क्षेत्रों में होता है? साहब सबसे लंबा पड़ाव पीर पंजाल के पहाड़ों में रहता है। पीर पंजाल? जी, पीर पंजाल के पहाड़ों में डेरा डाल देते हैं, तंबू ही हमारा घर होता है। हम बकरवाल लोगों का जीवन तो घास फूस पानी चरागाह से जुड़ा हुआ है ना साहब। लंबे पड़ाव के समय तुम क्या काम करते हो? पहाड़ों के चढ़ने की थकान उतारते हैं साहब। जड़ी बूटियां इकट्ठी करते हैं। अच्छा। यही भेड़ बकरियां दूर दूर तक चरती हैं। जगह जगह के बकरवाल यहाँ आकर इकट्ठा होते हैं, और हमारी पंचायत भी यही होती है साहब। अच्छा, शहर भी। बहुत अच्छे। बकरवाल से विदा लेने के बाद हमने नदी के साथ नीचे की ओर उतरना शुरू किया। एक सपाट भूभाग दिखाई दिया जहां तरह तरह के फूल खिले हुए थे। बड़ा अजीब सा लगा, जंगल में मंगल। फूलों को देखकर हमारी थकान दूर हो गई। निजाम है कुदरत का। हाँ? एकाएक ये फूल कहां से? भाई ऐसे फूल हिमालय में एक खास ऊंचाई पर मिलते हैं। पर क्यों? एक खास वातावरण के कारण। अब मैं कुछ समझा नहीं। देखो सुबैया, तुमने देखा कि सबसे ऊपर बर्फीले क्षेत्र, काई व हरी भरी घास थी। हाँ। इसके बाद जंगली फूल और जड़ी बूटियां, फिर पेड़ पौधे, जीव जंतु व मानव बस्तियां। अच्छा अच्छा, यानी एक खास आबो हवा में ही ऐसे फूल वाले पेड़ उग सकते हैं। बिल्कुल। अब समझा। तभी दूसरी ओर से एक और भेड़ बकरियों का समूह आता दिखाई दिया। Hey!
मैंने सोचा इनसे भी बात करूं, लेकिन इनकी शक्ल सूरत शरीर का डील डॉल बकर वालों से कुछ अलग था। मैं उनके करीब गया। सुनिए जी साहब, आप भी बकरवाल हैं? नहीं नहीं साहब, हम तो भोटिया कबीले के हैं साहब। भोटिया? भोटिया? हाँ। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताओ। साहब, हमारा पुराना संबंध तिब्बत से था। अच्छा। पहले भारत चीन के बीच व्यापार करते थे साहब। 1962 में भारत चीन की लड़ाई के बाद व्यापार बंद हो गया साहब। अच्छा। अब हम केवल भेड़ बकरियां पालते हैं साहब। हम में से कुछ हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में याक भी पालते हैं साहब। अच्छा, याक भी पालते हैं? हाँ साहब, हमारा एक खास कबीला है साहब जो गर्मियों में बद्रीनाथ केदारनाथ के आसपास रहते हैं साहब। माना हमारा आखिरी गांव है जो भारत चीन की सीमा पर है साहब। हाँ हाँ हाँ। माना हमारा गर्मियों का ठिकाना है साहब। हम पांडवों को अपना पूर्वज मानते हैं साहब। क्या कहा? अच्छा। पांडवों को? हाँ साहब। अरे वाह। आज भी खास उत्सवों पर हम पांडव लीला का अभिनय करते हैं। ये उत्सव कई रोज चलता है साहब। बड़ा ही आनंद आता है साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। और हाँ साहब, हम बड़े हिमालय से लेकर मैदानी भागों तक भेड़ बकरी चराते हैं साहब। हमारी औरतें ऊन की कताई, बुनाई, कपड़ा बनाना, बेचना सभी कामों में निपुण है साहब। सभी कामों में? हाँ, ऊन के बनाए गए कपड़ों को वो खुद ही बेचती है साहब। क्या कहा? खुद ही बेचती है? हाँ साहब। कमाल की बात। अच्छा साहब, नमस्ते साहब। अच्छा, नमस्ते नमस्ते। बकरवाल और भोटिया में कुछ बातें समान हैं, जैसे भेड़ बकरियां पालना, चरागाह का प्रबंध करना, आने जाने के लिए घोड़े, रक्षा के लिए कुत्ते पालना आदि। ऐसे घुमंतू कबीले हिमालय में कई और भी हैं। भेड़ बकरियों का पालन इनका मुख्य धंधा है। चरागाहों के साथ घर, ठिकाना सब बदलता है। गर्मी और सर्दी के ठिकाने अलग अलग होते हैं। भोटिया कबीले के सरदार से बातें करते करते कितनी दूर निकल आए पता ही नहीं चला। अब यमुना की धारा बड़ा रूप धारण कर चुकी है और मुझे लगा यमुना मुझसे कुछ कह रही है, शायद अपनी आप भी थी। मेरा नाम यमुना है, लोग मुझे जमुना के नाम से भी पुकारते हैं। प्राचीन ग्रंथों में मुझे सूर्य की पुत्री सूर्यतन्या, यम की बहन यमी और कालिंदी भी कहते हैं। गंगा की तरह मैं पवित्र नदियों में से एक हूं। मैं उत्तराखंड राज्य के यमुनोत्री हिमनद से निकलती हूं जो उत्तरकाशी के टेहरी जिले में पड़ता है। यहां पीर पंजाल की पहाड़ियों की कुछ चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। इन्हीं चोटियों के बीच यमुनोत्री हिमनद स्थित है। यहां बर्फ का ही साम्राज्य है। चारों ओर दूर दूर तक केवल बर्फ। वही मेरा उद्गम स्थान है। इसकी ऊंचाई कहीं 3000 मीटर तो कहीं
4000 मीटर है। बर्फ के पिघलने से मेरे जीवन की शुरुआत होती है। जमीन की गर्मी मुझे जीवन देती है। पहाड़ों की ढलान मुझे गति प्रदान करती है। कई सरिताएं मिलकर मेरा आकार और पानी की मात्रा बढ़ाती है। लेकिन आज मैं संकट में हूं। हिमनद जलवायु के परिवर्तन से सिकुड़ रहे हैं। इसका असर आप भी महसूस कर रहे होंगे। हम यमुना के साथ जल्दी जल्दी आगे बढ़े। सोचा रुकने का ठिकाना तलाश करें। थोड़ी देर में बस्ती के पास पहुंचे। ये पहली बस्ती थी बरकोट। पहाड़ी की ढलान पर बसा था ये छोटा सा कस्बा और साथ में यमुना नदी बह रही थी। सड़क के दोनों ओर घर, नीचे दुकानें, चाय व खाने के ढाबे थे। एक छोटे से होटल में हमने खाना खाया और अपना ठिकाना तलाश कर लिया। यमुना भाग एक। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन तथा आलेख अख्तर हुसैन, कलाकार नीरज शर्मा, प्रवीण शर्मा, मंगत राम, सुनील लोहिया और राजश्री त्रिवेदी। विशेष परामर्श एस बिष्ट। तकनीकी निर्देशन सतीश लाडे। ध्वन्यांकन दीपक पांडे। निर्माण सहयोग अनुराधा गोयल तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।